क्या? नहीं नहीं गुलेल से अखरोट गिराओ। तुम भी अखरोट खाते हो? अखरोट खाते हो? हाथ दिखाओ। वहाँ से मिल जाएंगे खाने के लिए? बच्चे कहते तुम्हारे लिए अखरोट लेके आते। ये कोई करियाने की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कुछ आपने रख रखा है? कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपके पास? हाँ बैठ जाओ सारे यहाँ पे मिलके। ये है जी मुकामी लोगों की आबादी, और यहाँ पे देखिए किस तरह से लोगों ने यहाँ पे मक्की काश्त की हुई है। ये सारी यहाँ पे मक्की है, ये ऊपर भी मक्की है, यहाँ पे भी मक्की है। जहाँ जहाँ इनको जगह मिलती है ना, वहाँ पे ये अपनी काश्त करी कर लेते हैं। और यहाँ के इनके घर देखिए किस तरह से लकड़ी से बनाए गए हैं, और नीचे ये सारे अखरोट के दरख्त हैं। और अभी अखरोट का सीज़न है, यहाँ पे अखरोट तोड़े जा रहे हैं, इनको तोड़ के खुश करते हैं, और उसके बाद फिर ये मार्केट्स में पैक करके बेचते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई? अबे क्या अब कर दिया? बोतल यहाँ पे अब कहाँ मिले यार? मिलेगी तो इधर उधर देख तो सही से। भाई साहब भी ना मैकेनिक बनने की कोशिश कर रहे थे, वो कसने के बजाय पता नहीं खोल दिया क्या कर दिया, अब वो सारा पेट्रोल जो है ना वो निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो यहाँ से कहीं से बोतल नहीं मिलेगी? अरे यार बोतल वैसे यहाँ से मिलनी भी नहीं है, क्योंकि मुकामी बच्चे होते हैं और वो ऐसी चीज़ें जो है ना फौरन से उठा के बेच देते हैं। चक्कर नहीं था? फाइनली जी यहाँ पे मुकामी बच्चों को कहा है, एक बोतल मिल गई है। ये एक मिली है, इसको यार इसको इधर लगा लगा छोड़, इसके पास आगे करना छोड़। अबे यार तूने क्या कर डाला? अबे मैं कहता हूँ टैंकी लीक हो गई, फिर कहता क्या कर डाला यार। ये देखें मुकामी लोग यार कितने यहाँ पे हेल्पफुल हैं। वो बोतल घर से और लेके आ गए, उन्होंने कहा ये ले, लेकिन वो पेट्रोल हमारा बोतल में पूरा आ गया, 9 लीटर था तकरीबन, 8 लीटर होगा, बाकी तो कुछ ज़ाया हो गया। तो अब ये हम किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं, वहाँ चेक करवाते हैं सारा। यार हाथ भी सारे ठंडे हो गए पेट्रोल के। स्कूल नहीं जाना तुमने? छुट्टी है। बैग क्यों उठा के फिर रहे हो? बैग क्यों उठाए हुए हैं? ये बच्चे भी ना घर से पढ़ने के लिए निकलते हैं और गुलेले पकड़ लेते हैं और सारा दिन अखरोट गिराते फिर रहे होते हैं, खाते फिर रहे होते हैं। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? अखरोट 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 खाते हो? इतने अखरोट खाते हो? इतने ज़्यादा? हाँ ये सारे अखरोट लगे हुए हैं, खाते रहते हो सारा दिन, खाते रहते हो, खाते रहते हो, खाना नहीं खाते हो, अखरोट खाते हो। चल मैं चल के आ रहा हूँ फिर तू जा। हो तुम भी अखरोट खाते हो? अखरोट खाते हो? हाथ दिखाओ। ये खाता है इसका? ये भी खाता है? इसकी आंखें देखो, खाते ऐसे लाइन वाइज खड़ो, आपकी पिक्चर बनाओ ऐसे, हाथ उठाओ। हे मुझे पकड़ा दे, काफी वजनी है, और दे दे। बड़े तो बड़े यार, बच्चे भी देख ले यार कितने यार हेल्पफुल हैं यहाँ के। उन्होंने बोटल्स उठा लिए कि हम लेके चलते हैं। चल बस करो दे दो बस। बहुत शुक्रिया नन्हे सिपाही, बहुत शुक्रिया दीदी, थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश आती है? आप लोग कौन सी जबान बोलते हो? कौन सी जबान बोलते हो? शिना यार
शिना बोलते हो? अच्छा, वहाँ से मिल जाएंगे खाने के लिए? नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, आ जाओ। बच्चे कहते तुम्हारे लिए अखरोट लेके आते। ये देखे जी कितने ज़्यादा यहाँ पे अखरोट लगे हुए हैं, यहाँ पे भी। यहाँ पे अखरोट तो मान के चलो ऐसे हैं जैसे हमारे इलाके में बेर होते हैं। हर बच्चा यहाँ पे खाता फिर रहा है। अखरोट गिरा रोगे गुलेल से? गिराओ। क्या? नहीं, गुलेल से अखरोट गिराओ, अखरोट नहीं चाहिए। नहीं समझे, चल कोई नहीं। यहाँ पे आगे कोई दुकान है मोटरसाइकिल वाली? अच्छा अच्छा, तो आई थिंक भाई वहीं पे गया, तो चलते हैं वहाँ पे। ये सारे अखरोट ही अखरोट लगे हुए हैं, देखें। अरे यार काफ़ी वजनी है, वजनी। ये बार बार ये लेने की कोशिश करता है, कहता है मुझे दे दो, मुझे पकड़ा दो। ओए ना करो ना करो, बस रहने दो, और रहने दो, वजनी है, वजनी वजनी वजनी। यार वहाँ पे एक दुकान तो थी लेकिन वो पंक्चर की दुकान है, उनको इतना पता वता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नीचे एक मेन दुकान है वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपकी बाइक बनेगी। तो अब ये भाई साहब जो है ना, तो कुछ पेट्रोल लेके नीचे की तरफ जाएंगे, मैं यहाँ पे इनका इंतज़ार करूँगा, और वहाँ से ये ले और दो, तो वहाँ से ये बाइक बनवा के फिर ऊपर आएंगे। चलें जी, अब देखते हैं, टाइम जो वेस्ट होना था वो तो होना ही है। हाँ भैया, दुकान पे ही हूँ मैं, आगे पीछे ना हो जा। चलो बच्चों, लेट्स गो। ये कोई करियाने की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कुछ आपने रख रखा है? कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपके पास? बच्चों तुम जाओ उठाओ, जो चीज़ें उठानी है वहाँ पे जाके खाते हैं हम लोग। आप खुद ले लें सर, मैं तो मजबूर हूँ। हाँ हम खुद ही उठा लेते हैं। अखरोट इसका क्या करें? तो चलें जी, एक शॉप में आए और यहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं यार। हो आपके पास ग्लास भी होंगे? ग्लास होंगे? कौन सी पियोगे बताओ? ये वाली? ओके, ये है हमारे नन्हे मुन्ने से दोस्त। किधर? अच्छा चलें जी, ये ग्लास हो गए और बच्चों ये सामान उठा के आओ। ला 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 ला, कोई अच्छी सी जगह देखते हैं। यहाँ पे देखिए आबशारें बह रही हैं, खूबसूरत किस्म के चश्मे हैं। तो हम अभी यहाँ पे कहीं पे बैठेंगे और दावत उड़ाएंगे बच्चों के साथ। पार जाने के लिए कोई रास्ता है? पार जाने के लिए कौन सा है? चले हम यहीं पे बैठते हैं, आ जाओ। कोई अच्छी सी जगह देखो, कौन सी जगह पे बैठे, कौन सी सबसे अच्छी जगह है यहाँ पे? चलो यहाँ पे बैठते हैं।
रख दो सामान सारा यहाँ पे, ले आओ यहाँ पे, ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ बैठ जाओ सारे यहाँ पे मिलके। ये हुई ना बात। तो अभी जी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं एक नाले के करीब, और जहाँ पे हम दावत उड़ाने लगे हैं। तो सबसे पहले आप बिस्किट खाइए, पकड़ो 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 पकड़ो। ये भी आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी, ये आपकी, ये आपकी, और ये मेरी। ग्रीन आंखों वाले खावा। अच्छा मुझे अब सब ये बताओ कि आप पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो, पढ़ती हो, पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तुम? ये पढ़ते हैं? नहीं पढ़ता। तो क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? क्या मामला है, क्यों नहीं पढ़ते? किसी को उर्दू आती है? तुम्हें उर्दू आती है? आती है तुम्हें? क्यों नहीं पढ़ते हो मुझे ये बताओ? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम मजीद, सुरीना, आबिद, इमरान, अमरान, और इसका क्या साबद। तो ये बोलता क्यों नहीं है? बोलते क्यों नहीं हो मियाँ साहब? हमसे कोई नाराज़गी है? आप लोगों की ज़बान कौन सी है? शना शना बोलते हो? क्यों दे रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे? यार ये बच्चे वो बिस्किट लिख करके ना ऐसे ज़बान से एक दूसरे को पास कर रहे हैं। और ये सारे रैपर इसमें डालो। हाँ तुम लोग के घर कहाँ पे हैं? घर घर कहाँ पे है? घर घर यहाँ पे है? घर इधर है, पीछे है। छोटी बच्ची है ना, ये कुछ चीज़ें छुपा के बैठी है, मतलब निमको वगैरह और एक मेरे ख्याल से बिस्किट, तो वो छुपा के बैठी है कि इसको पता ना चल जाए। ओके रुको रुको, ये तुम सब के लिए। ओके तुम सब के लिए, सबको देना है। हाँ सबको देना है, सबको देना है। घर जाओ घर जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? नाम आतिश। आतिश कितने गुस्से से आए हो, कोई मुंह पे स्माइल नहीं, कोई खुशी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आते हैं यहाँ पे, हम खा पी रहे थे, अभी तो सब ख़त्म हो गया, अभी तो हमने सब ने खा लिया, अभी हमारी पार्टी हो चुकी है ख़त्म। आतिश भैया थोड़ी देर पहले आ जाते, चलो मैं एक काम करता हूँ। ओके गुड बॉय, ओके जाओ बाय बाय। यार ये बच्चा है तो मेरे ख्याल से ये ड्रामेबाजी कर रहा है, मांगने का एक तरीका है इनका। कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो, अब 10 दे दिए, कह रहा है 50 दे दो। बेटा मुझे ये बताओ 50 का क्या करोगे? मैं तुम्हें 50 दे देता हूँ, उसका क्या करोगे, क्या खरीदोगे? हाँ
मैं आपको 50 दे दिया, 50 का जाके क्या लोगे? वदान दे। मैं समझा नहीं, वदान नहीं वे। पैसे दूं? मैं पैसे देता हूं तो आप क्या करोगे पैसों का? क्या खरीदोगे दुकान से, क्या लोगे दुकान से? मेरा अब्बू। तुम्हारा अब्बू है? नहीं। और अब्बू नहीं है, अम्मा नहीं है, तो फिर तुम क्या खाओगे पैसों से? क्या चीज खाओगे? रोटी खाओगे? तुम्हें रोटी खिलाऊं? होटल ना। होटल में खाना खाएं जाके? कराची से? चलो मेरे साथ सड़क पे चलो, आजो आजो। क्यों? अरे भैया बात तो सुनो, कहाँ चल रहे हैं? आज वो रोड पे कुछ खाते हैं? नहीं खाना? क्यों? हम वहाँ पे चल के कुछ खाते हैं, आजो। खाओगे कुछ? ये दुकान। उधर दुकान है, वो सामने रोड पे। यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे चलें? चलो चलो दुकान पे चलें। यहाँ पे आदमी तो नहीं आया था? यहाँ पे मोटरसाइकिल पे नहीं आया? चलें, शायद बाइक का थोड़ा ना काम ज़्यादा ख़राब हो गया। यहाँ पे आई थिंक कोई डस्टबिन भी नहीं है। यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है क्या? उधर है। ये देखें जी किस तरह की दुकानें यहाँ पे होती है। ये दरअसल फ्रूट की दुकान है और यहाँ से अनार और सेब मिलता है, ये देखें लिखा हुआ है। और अभी ये दुकान बंद है, खोखा सा बना हुआ है लकड़ी का, और इसमें ये अनार और सेब यहीं का जो मुकामी बस्ती है ना, यहाँ के लोग घरों वाले वो फरोख्त करते हैं और यहाँ पे ला के फिर ये रोड पे यहाँ पे बेचते हैं। ये देखो यार, यहाँ पे इनकी मक्की, और मक्की में कई तरह की बेलें लगा रखी हैं, ये सारी यहाँ पे बेलें हैं ये देखें। और इन पे ना ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, बेल सारी खुश्क हो चुकी है और सारा कनेक्शन जो है इसको मिल रहा है। पेठा है या पता नहीं क्या, पेठा लग रहा है। यहाँ पे भी ये मेरे ख्याल से पेठा लगा हुआ है, ये देखें। ये एक तरह की बूटी लगी हुई है ये, आई थिंक ये पुदीना है, जंगली पुदीना भी इसी तरह का होता है ना। बहुत किस्मों की यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी समझ नहीं है। यहाँ पे लोग इसी तरह का एक पुदीना होता है जहाँ पे जंगली वो इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है, मैदे के लिए अच्छा होता है, तो वो यहाँ पे उसकी मुझे पहचान नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये भाई साहब बड़े बड़े पत्तों वाली क्या बला है। अरे भाई साहब इसमें क्या लगा हुआ है जी, आई थिंक ये कद्दू है, कद्दू की तरह ही दिख रहा है, पता नहीं ये क्या लगे हुए यार। ये देखिए भाई साहब ये क्या लगा हुआ है, टमाटर है आई थिंक, गाँव में रहने वाले लोग जानते होंगे इन चीज़ों को बेहतर तरीके से, तो ये आई थिंक टमाटर हैं, हो सकता है कोई और चीज़ हो। सारी बेलें ही बेलें लगी हुई हैं, ये देखें, ये मटर हैं, ये देखें, ये सारे
लोबिया है या मटर हैं, तो इस तरह की ये फसलें हैं। देखिए मक्की के अंदर कई तरह की भी यहाँ पे बेलें लगा रखी हैं, और जहाँ पे ये चारा स्टॉक किया हुआ है अपने जानवरों के लिए, ये दिखाइए। ये देखें जी, यहाँ पे ये है वो जंगली पुदीना जिसके बारे में पहले जिक्र कर रहा था। ये यहीं से पहाड़ों से यहाँ पे मिल जाती है बूटी। हमारा भी एक पुदीना है, लेकिन वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना ये ज़्यादा है। ये देखें अभी इसका आप क्या करेंगे, इस तरह खुराक लेंगे? इसको खाते हैं, आप भी खाओ, आपको भी मज़ा आएगा। मैदे के लिए अच्छी चीज़ है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। जब उल्टी होता है ना, हाँ हाँ, सफ़र में इसको खाया तो उल्टी भी नहीं आती। सही, तो ये मैदे को परफेक्ट करने के लिए ये एक जड़ी बूटी है। हाँ, जड़ी बूटी है ये। इसे ज़रा निकालिएगा, पुदीना है ये, पुदीना इसको सुखाया, अभी इसको जब जरूरत पड़ गया तो खाएंगे। ये छांव में खुश करते हैं, धूप पे? धूप पे। स्मेल भी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, है ना? इसको निकालेंगे, हम निकालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये कड़े से बना लिया आपने, है ना? जी, कड़े से बनाया। अभी इसको इस तरह करो, इधर डालो। बड़ी अच्छी इसकी तो खुशबू आ रही है। हाँ, अभी खाओ आप, हमने तुम्हारा। बहुत तेज़ है ये, है ना? तेज़ जैसे कोई सेंट नहीं होता इतना ज़्यादा तेज़, ये वैसे है। देखिए बिल्कुल नेचुरल है, कोई इसमें मिलावट वगैरह नहीं की गई, फिर भी उसके बावजूद इतनी तेज़ इसकी खुशबू है और ज़ायका इसका। ये बिकता भी है दुकानों पे या के पास लोग अपने घरों में रखते हैं? अच्छा, पर्सनल यूज़ के लिए लोग बस रखते हैं। इस इलाके में आपको ये सारे जितने भी दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये नीचे आबादी में, ये सारे अखरोट के हैं। यहाँ पे अभी अखरोट का सीज़न है, तो हर तरफ यहाँ पे अखरोट ही अखरोट लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे अखरोट पड़ा है। ये आप अखरोट क्या रेट देते हैं? अखरोट 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। तो ये आधा किलो बैग में मेरे ख्याल से आ जाएंगे। यहाँ पे यार चीज़ें कैरी करना यार बड़ा अजाब सा होता है, बस बाकी तो ओके है। अब मैं बैग में जगह होती तो यहाँ पे और भी ख़रीद लेता। अच्छा, यहाँ से ना सीन मैं आपको बताऊँ, यहाँ से सिलाजीत भी ओरिजिनल मिलती है चिल्लास से, और बहुत ज़्यादा सस्ती। अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड हो लेने में तो वो यहाँ से ख़रीद सकता है, बिल्कुल ओरिजिनल प्योर मिलती है। अगर उसकी भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है सारा, रेट वगैरह और उनकी क्वालिटी के मतलब वो सारा मैंने ना उस व्लॉग में डिटेल के साथ जिक्र किया है, तो आप वो वीडियो जाके देखिए चिल्लास की। यार यहाँ पे ये भाई साहब बता रहे हैं कि बाबू सर टॉप से और ये सारा जितना भी इलाका है ना, यहाँ पे बर्फ़ होती है, क्या होता है यहाँ पे सीन? बर्फ यहाँ 2-2.5 फुट बर्फ़ होता है, उसके बाद ये नवंबर के बाद ये रोड बंद हो जाते हैं, ये लोग सब चला जाते हैं शहर। यहाँ पे कोई एक भी नहीं होता? सब नहीं, एक भी नहीं होता, एक दो माल मुझे लेकर यहाँ होता है तो बस, होता नहीं होता है तो यहाँ सब नीचे जाते हैं, हम खुद भी चला जाते हैं शहर। फिर वापस कब आते हैं? वापस मई में आते हैं लोग, हम तो जून जुलाई में आते हैं, जून में आते हैं हम, क्योंकि हमें सर्दी ज़्यादा होता है ना, हम मौजूद भी है तो बस इधर 2-3 महीना गुजारा करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं वापस। बड़ी अजीब बात है यार, लोग यहाँ पे अपना घर बार छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं, चिल्लास में जाके स्टे करते हैं और इतने महीनों के बाद दोबारा वापस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लोगों का क्या गुजर बसर है, क्या काम क्या है? बस किसी का ज़मींदार है तो वो ज़मींदार करते हैं, नहीं है तो वो मजदूरी करते हैं, और क्या करेगा। मजदूरी तो यहाँ पे तो कोई मेरे ख्याल से मिलती नहीं, और काम होता ही नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा मजदूरी मिलता है, मजदूर का इधर 1000 रुपये लेते हैं, 2000 जो होते हैं उसका। मिस्त्री का तो काम भी बड़ा टफ होता होगा, सारा पत्थर वाला काम है ना? यहाँ पे कौन सी वो ईंटों वाला काम है, पत्थर तोड़ तोड़ के उनको आपने देखा होगा कि वो हमवार ऐसे दीवार सी बनाते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल काम है, हथौड़ों का काम है वो सारा। तो आप भी सारा दिन यहीं पे होते हैं?
जहाँ पे आपको ये क्या सैलरी दे रहे हैं? 15,000 सही। तो यहाँ पे कोई आते भी होंगे कि यार सारा दिन ऐसे? नहीं अभी तो इतना नहीं है, पहले तो आते थे। अभी सीजन ऑफ हो गया ना? सीजन ऑफ हो गया। हाँ अभी दिन में है क्या तो गाड़ी लग जाती है, उसके बाद तो फिर तो ना होने के बराबर काम है ना। इसी वजह से लोग यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट होटल बंद करके यहाँ से निकले जा रहे हैं। हाँ सब लोग जाते सब नारायण वाली साइड से भी लोग जा रहे हैं। हाँ उधर से जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है जी इन पहाड़ों में, कोई आसान नहीं है। घर बार छोड़ के सब कुछ यहाँ से अपना ले जा के कहीं और शिफ्ट होना, फिर वापस यहाँ पर आना, तो ये इनकी नकल मकानी जो है ना चलती रहती है यहाँ पर। हम तो गर्मियों में आते हैं यहाँ पे इंजॉय करते हैं, दरख्त देखते हैं, अखरोट लगे हुए हैं, सेब लगे हुए हैं, ये है वो है, लेकिन सर्दियों के जब इनके रोड बंद हो जाते हैं तो वो हालात हमने कभी आके नहीं देखे। चलास जाना शुरू हो गया ये चलास जा रहे हैं। बाबासर टाप से जो पीछे गिरदास नाम तो सुना है ना? हाँ गेटीदास। हाँ गेटीदास वहाँ ये लोग गर्मी में उधर जाते हैं ना, अभी उधर से बस रवाना होता है, पता नहीं चलता अचानक बर्फ़ गया तो। सही। ये बकरियाँ भेड़े भी लोग लेके जा रहे होते हैं। और भैया क्या हाल चाल है? खैरियत कश्मीर से चला है। अच्छा कश्मीर से आ रहा है ये? हाँ, कश्मीर। और ये चलास जाएगा? नहीं नहीं ये थक जो पोर्ट कहता है उसकी इस तरफ से एक नाला है, वापसी उस साइड पे जा रहा है। अच्छा अच्छा यहाँ पे तो फुल ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है ना, जब यहाँ पे घास ख़त्म हो जाता है तो ये लोग जो है ना फिर यहाँ से मूव करते हैं दूसरे इलाकों की तरफ। वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो जाती है, तो ये भी एक रीज़न है यहाँ से जाने की। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे देखा है भेड़ बकरियों को भी लेके इतने इतने रेवड़ जो है ना यहाँ से निकल रहे होते हैं। ये देखिए जी कितनी वाइट वाइट यहाँ पे गिरी हैं और बिल्कुल ये ऑयल से भरी हुई हैं, और वैसी नहीं है जैसे वहाँ पे खुश किस्म की हमारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, अखरोट अगर मार्केट से लें तो वैसा होता है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। इसका टेस्ट जो है ना उससे डिफरेंट है। अगर ये आप ट्राई करेंगे ना यहाँ पर आके ताज़ा जो अखरोट है तो इसका टेस्ट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और मीठा लगेगा। जो हमें वहाँ से बाज़ारों से मिलता है उसका तो पता नहीं कितने कितने सालों से रखा होता है, टेस्ट ही बदल चुका होता है सारा। तो ये बहुत ही मज़े की उम्दा चीज़ है। यहाँ पे अगर आप इन इलाकों में आएँ तो रिकमेंडेड है कि आप ये अखरोट जो है ले के भी जाएँ और यहाँ पर जितना हो सके खाएँ भी। बिल्कुल ये देखें नरम सी गिरी है, ऑयल से भरी है। तो फाइनली जी भाई साहब आ चुके हैं। क्या सूरत हाल बनी, कितना खर्चा आया और कितना टाइम लगा और कहाँ दुकान मिली? फिर सीधा चिल्लास मेन शहर में जाके दुकान मिली और 900 का खर्चा आ गया, ले आ पेट्रोल डाले। बाइक ओके हो गई अभी? हाँ ओके। ट्रेन मिल गई थी शुक्र है, इधर आते हैं भाई साहब और फिर निकलते हैं। बड़ा एक बैड सीन हुआ। गर्मी वगैरह भी दिक्कत जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है यार। बहुत शुक्रिया भाई जान, अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ आलम। फैज़ आलम, ये फैज़ आलम थे जिनके साथ हमारा यहाँ पे टाइम पास हुआ और अभी यहाँ से जा रहे हैं। ओके जी खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे कभी ज़िंदगी में।